First of all, Asha, congratulations for the show. Thank you so much. Like twice selected this one, this comedy club. यार मैं वही बोल रही थी अभी कि ना एक टाइम आ जाता है जब आप सेम चीज़ रोज नहीं कर सकते. आपको ऐसे चाहिए होता है कि कुछ ऐसा मिले जिससे आप कुछ सीख सकें, कुछ नया मिले. ऐसा ना हो जितना रोज आके एक ही चीज़ कर रहे हो, एक ही चीज़ कर रहे हो. तो आई थिंक वो टाइम ही चल रहा है मेरा. एंड आई एम अबाउट माई वर्क. और ऐसा नहीं है कि मैं फिक्शन नहीं करना चाहती हूँ. मैं डेफिनेटली फिक्शन ही करना चाहती हूँ अगर कुछ बहुत अच्छा आए, कुछ इंटरेस्टिंग आए. मतलब वही सेम चीज़ जो मैं करके छोड़ चुकी हूँ दो साल पहले, वो वापस नहीं करनी है मुझे. तो ये मुझे जब पता चला तो मैं शुरू में थोड़ी सी स्केप्टिकल थी कि यार मैं कॉमेडी कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी. बट एज यूजुअल एक वो जब मैंने इंडियन आइडल नहीं किया था या खतरे का नहीं किया था, उसी ने मुझे पुश किया था कर सकती है, कर सकती है. तो इस बार भी उससे वही किया. एंड मतलब वो मैं लाइक थोड़ी बहुत फनी तो भी कर, मेरे फ्रेंड्स को भी लगता है कि मैं पर आई थिंक अब फाइनली पूरी दुनिया देखेंगी. सो आई जस्ट वॉन्ट टू बी माई सेल्फ और आई डोंट वॉन्ट टू यू नो बी समबडी एल्स. आई ट्राई टू बी फनी. आई थिंक मैं वही प्ले करूँगी जो मैं हूँ, रियल रहूँगी. मज़ा आएगा लोगों को और बहुत सारा प्यार उन लोगों ने मुझे जो कि खिलाड़ी में भी दिया है, जो शो मैंने होस्ट किया था उसमें भी दिया है, जो मैंने एक्टिंग की थी उसमें भी दिया है. मुझे लगता है कि अभी भी मुझे सब बहुत प्यार देंगे और बहुत सपोर्ट देंगे और मेरा शो देखेंगे. आशा, कॉमेडी कितनी डिफिकल्ट है आपके लिए? कॉमेडी ना, कॉमेडी मेरे लिए है डिफिकल्ट. टाइमिंग थोड़ा प्रॉब्लम है, टाइमिंग की कोई हंसता ही नहीं है. बट कभी कभी अगर टाइमिंग के हिसाब से पंचेस निकल जाते हैं ना तो सब बहुत हंसते हैं. तो मुझे ओह शिट, मेरा जोक मतलब हिट हुआ. तो बस वही है कि आई थिंक इस शो के थ्रू मैं वो सीख जाऊँगी कि लाइक हमारे साथ मुबीन है, बलराज है, वाही है, रवि है, बहुत सारे लोग हैं. तो अगर ऋतिक आ गया तो उसकी तो मतलब वाट है. मैं उसकी वाट लगाने वाली हूँ, भाई उसकी वाट लगाएगा, रवि उसकी वाट लगाएगा. तो आई थिंक अगर वो आएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. होपफुली अगर आया तो हाँ, लोगों को हम साथ में जरूर दिखेंगे. बट आई थिंक सब वेट कर रहे हैं कि हम कुछ फिक्शन करें साथ में. बट जब तक कुछ अच्छा नहीं मिलता तो मैं अकेली भी नहीं दिख पाऊँगी फिक्शन में, या वो अकेला भी नहीं दिख पाएगा फिक्शन में. कुछ अच्छा आएगा तो डेफिनेटली मैं करूँगी या वो करेगा या हम दोनों साथ में करेंगे. क्या वी आर फीलिंग द राइट प्रोजेक्ट. ओके एंड फाइनली व्हाट वुड यू लाइक टू से टू आवर कुछ नहीं यार, आप लोगों ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है खतरे खिलाड़ी में या जो मैंने उसकी एक्टिंग की है. तो इस बार भी मैं नहीं भी बहुत ज़्यादा प्यार देना और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना और हमारा शो ज़रूर देखना. थैंक यू सो मच आशा, गुड लक फॉर यू.